फाइनली आखिरकार ट्विटर को समझ में आ गया है कि कंगना रनावत ट्विटर पर नफरत फैला रही है। दोस्तों मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं द नवजीवन। ट्विटर ने कंगना रनावत के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है परमानेंटली। क्या कहा है ट्विटर ने, ये देखिए एक बार। ट्विटर कह रहा है कि जो इनकी तरफ से लगातार बार बार रिपीटेडली हार्मफुल कंटेंट डाला जाता है, मतलब जो ट्वीट करती हैं वो काफी हार्मफुल होता है और वॉयलेशंस करता है ट्विटर के रूल का, मतलब वॉयलेशन फैला रहा है, ये ट्विटर कह रहा है। आगे देखिए ट्विटर क्या कह रहा है। हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी एंड एब्यूजिव बिहेवियर पॉलिसी, मतलब जो इनका बिहेवियर होता है वो काफ़ी एब्यूजिव होता है और हेटफुल होता है। मतलब ट्विटर साफ कह रहा है कि जो ट्वीट कर रही हैं कंगना रनावत वो नफरत फैलाने वाले हैं और कुछ नहीं है, इस वजह से उनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। खैर ट्विटर देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी देर बाद ट्विटर को समझ में आई है। काफ़ी लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि आखिर इनका अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा, लगातार इनको मतलब ट्विटर क्यों मौका दे रहा है। काफ़ी बार कंप्लेंट की गई थी लेकिन इनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा था। तो फाइनली कंगना रनावत का अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है, वो भी परमानेंटली। लगातार वो अनाप शनाप बोले जा रही थी जब से बंगाल में भाजपा की हार हुई है। उनको ये लगता था कि भाजपा की हार उनको पच नहीं पा रही थी। लगातार वो शुरू से ही जब ट्वीट अभी से नहीं, वो पहले से ही भड़काऊ और बहुत से मीडिया उनको कहते हैं कि बेबाकी से, तो मैं उनको नहीं कहूंगा कि वो बेबाकी से बोलती थी, वो अनाप शनाप हमेशा बोलती हैं, हमेशा ट्वीट इस तरीके के करते थे, हिंदू मुस्लिम वाले ट्वीट उनके हुआ करते थे। इस बात को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था कि जो ट्विटर पर जिस तरह के ट्वीट कंगना रनावत करती हैं वो अपनी भाषा का मर्यादा रखे, उनके ट्वीट में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाले ट्वीट होते हैं, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था। उनको जमानत इसी बात पर दी गई थी कि आप आगे से ध्यान रखेंगी कि आप जो ट्वीट कर रही हैं वो किस भाषा में आपके ट्वीट होंगे, लेकिन वो नहीं मानी, लगातार ट्वीट करती रहीं। पिछले कई दिनों से लगातार वो बंगाल की राजनीति पर ट्वीट कर रही हैं और जब से बंगाल में ममता बनर्जी जीती हैं तब से लेके लगातार वो ट्विटर पर ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि KRK उन्होंने क्या बोला है इनका अकाउंट सस्पेंड होने पर। KRK कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन टू बॉलीवुड, वो कह रहे हैं बॉलीवुड को बधाई हो और जो लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं इंडिया में थैंक्स टू ट्विटर, उनको शुक्रिया करना चाहिए ट्विटर का कि उसने कंगना रनावत का जो मेंटली डिस्टर्ब है उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अभी जरूरत है कि कंट्री में प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, पीस शांति की जरूरत है, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है। और एक और है साक्षी जोशी है, उन्होंने भी ट्वीट करा है कंगना रनावत के अकाउंट सस्पेंड होने पर। साक्षी जोशी आपको पता है सीनियर पत्रकार हैं, वो क्या कहती है, आई हैव फीलिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नफरत फैलाने वाली कंगना रनावत है ये फिर से वापस आ जाएगी ट्विटर पर। उन्होंने तंज कसा है ट्विटर पर, किस बात का, क्योंकि जिस तरह से कंट्रोल कर रखा है भाजपा ने सारा सोशल मीडिया, सारी जिस तरह की चीज़ों को, अभी पीछे भी आपने देखा होगा रिजाइन मोदी हैशटैग को उन्होंने किस तरीके से स्टॉप करवा दिया था, उसको लेकर लग रहा है कि उन्होंने आगे लिए लिखा है ट्विटर इंडिया इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ, कि अब ट्विटर पर काफ़ी प्रेशर होगा कि उन्होंने कंगना रनावत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करेगी, उनका कहने का मतलब ये है। आगे क्या लिखती है, सच बोलने वाले को सस्पेंड करने का प्रेशर, जेनोसाइड की कॉल करने वालों को अनब्लॉक करने का प्रेशर, इस तरीके की प्रेशर इंडिया पर बनेंगे, ये एक तंज कसा है उन्होंने सरकार पर। दूसरे ट्वीट में वो क्या लिखती हैं, दूसरे ट्वीट में वो लिखती हैं दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, मतलब एक गुंडे को मारने के लिए हमें दूसरा बड़ा गुंडा चाहिए। आगे वो लिखती हैं ममता बनर्जी के बारे में लिखती हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, टू टेम हम मोदी जी, प्लीज शो यूर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s, मतलब जो 2000 से पहले का आपका विराट रूप था वो दिखाइए, यानी कि ये बात कर रही है गुजरात दंगों की। अगर इस बात को दूसरा मोटिव निकाला जाए या दूसरे तरीके से सोचा जाए तो यहां पर वो गुजरात दंगों की बात कर रही है, और साथ में वो लिखती है हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ट्वीट कितने नफरत भरे होते हैं, समझने की भी जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती। जितनी अच्छी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जितनी अच्छी अदाकारा है, उतनी ही घटिया इंसान बनती जा रही है या बन चुकी है, ये कहें जब से इन्होंने एक राजनीति पार्टी का पक्ष लेना शुरू करा है। क्योंकि अगर आपको वाइस सिक्योरिटी दे दी जाती है, आपको आपके कहने पर आपको सब कुछ मिल जाता है,
तो अब आप बता ही दो कि आपको कौन सी सीट से चुनाव लड़ना है, कहां से आप टिकट चाहती हो, क्लियरली ऑफिशियली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती भाजपा आप? तो यहां तो वाई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इनको ट्विटर पर, हाँ, लेकिन ट्विटर पर प्रेशर बनाया जा सकता है इनके लिए भारत सरकार द्वारा, वो चीज एक अलग है, जैसा साक्षी जोशी ने आगे कहा था। एक और ट्वीट इन्होंने क्या है, आगे क्या लिखती है, आगे लिखती हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो ममता बनर्जी के सबसे बड़े हथियार हैं। तो और जो कहा जाता है कि हिंदू वहां पर मेजोरिटी में है, अब वो मेजोरिटी में नहीं लगते। और जो बंगाल का डाटा कहता है वो ये बताता है कि जो बंगाली मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा गरीब गरीब दबके से आते हैं। अब बंगाल भी दूसरा कश्मीर बन जाएगा, एक ये ट्वीट इन्होंने करा था, जो ट्वीट पूरा नफरत भरा था। बंगालियों को बता रही हैं कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जिन्होंने मिलकर ममता बनर्जी को जितवाया है, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नफरत भरी हुई इस औरत के अंदर। इनके एक और भाई हैं बीजी सिंगर जो थे, उनको भी ट्विटर, वो भी अनाप शनाप लिखते रहते थे ट्विटर पर, नफरत फैलाते थे, जिनको ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि ट्विटर देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है, ट्विटर हिंदुओं की आवाज दबाता है। अब यही भाषा कंगना रनौत भी इस्तेमाल करने वाली है कि ट्विटर नफरत फैला, ट्विटर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये जो अब राहुल गांधी पर अटैक करेंगी, जो इटली इटली है, इटली वाली विचारधारा है और गोरों की विचारधारा है, ये हिंदुओं को मरवाना चाहती है, इस तरह की जो इनकी भाषा होती है, अब ये वही बोलने वाली है कि ट्विटर हिंदू विरोधी है। बहरहाल अब ये है कि ट्विटर को थोड़ी शांति मिलेगी, लोग इन नफरत भरे ट्वीट से तो कुछ तो बचेंगे, 1% जाता है तो कुछ तो नफरत कम होगी इस देश से ट्विटर ट्विटर पर। देश से तो देश में तो ऑलरेडी सब कुछ माहौल ठीक है, जो माहौल खराब है अगर आप देखोगे तो सिर्फ ट्विटर पर खराब है, बाकी देश में माहौल ठीक ठाक दिखता है। तो बहरहाल अब ट्विटर पे भी थोड़ा बहुत माहौल शांति वाला दिखेगा, और अब ट्विटर ने उनको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल ट्विटर पर प्रेशर बनेगा या नहीं ये देखना होगा। लगातार हम इस विषय पर जुड़े रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।